हर साल की तरह इस साल भी कड़कती ठंड को देखते हुए मैत्री बाग में बंगाल टाइगर को, जो काफी संवेदनशील होते हैं, उन्हें अलाव की गर्मी दे सुरक्षा प्रदान की जा रही है। प्रतिदिन शाम 5 बजे के बाद उद्यानिकी विभाग प्रभारी द्वारा बंगाल टाइगर के पिंजरे के बाहर अलाव जलाए जा रहे हैं। जंगल का राजा शेर को इस अलाव की गर्मी को महसूस करते पिंजरे के बाहर रखे अलाव के करीब देखा जा सकता है। इन तस्वीरों व इन पलों को हमारी टीम ने अपने कैमरे में कैद। बोले इस वक्त हम खड़े हैं मैत्री बाग में, और मैत्री बाग में जो टाइगर का जो घर है, मान जिसको कहते हैं, इस जगह में हर साल जो है ठंडी के मौसम को देखते हुए उद्यानिकी विभाग के द्वारा जानवरों को हल्का गर्माहट देने के लिए अलाव की व्यवस्था की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं नवीन जैन सर, जो कि उद्यानिकी प्रभारी हैं, और यहाँ का रख रखाव से लेकर जानवरों की हर व्यवस्था को ये बखूबी पूरी करते हुए उनको हर सुविधा देते हैं। सर बताएंगे, हर साल की तरह इस बार भी आपने व्यवस्था की है, और इस बार जो है ठंड जो है वो आसमान छू रही, क्या बताएं? पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ठंड बढ़ गई है, और ख़ासकर जो टाइगर होते हैं वो ठंड के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। मैत्री बाग प्रबंधन ने विशेषकर टाइगरों के लिए अलाव और सिकड़ी जलाया है, और जो शाम को 5 बजे जला दिया जाता है, जो रात भर जलती है। और इसके अलावा जो है हम टाइगर के अलावा जो भालू में अंडे और शहद दिया जा रहा है, और जो हमारा अजगर है उसके केज में पैरा डाला गया है जिससे वो ठंड से बचा हो सके। जैसे कि आपने बब्बर शेर हुआ या टाइगर हुआ और अन्य जानवरों का बताया है, और भी जो जानवर है जैसे हिरण अभी वहाँ पर हम देख रहे हैं, और भी छोटे जानवर हैं, उनके लिए गर्माहट के लिए क्या व्यवस्था है? जनरली टाइगर ही ठंड के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं, और दूसरे जानवरों के लिए पूरा शेड बना है, रात को शेड में आराम से बैठते हैं, और व्यवस्था की गई है। जैसे कोरोना काल में अभी मैत्री बाग को प्रतिबंधित कर दिया गया है पर्यटकों के लिए, क्या पर्यटकों का आना जाना लगा हुआ है, क्या उनको इसकी कमी खलती है, या वो इसके प्रति अपनी उत्सुकता दिखाते हैं कि मैत्री बाग आए, या क्यों बंद है ऐसा? मैत्री बाग को उच्च प्रबंधन के निर्देशानुसार बंद कर दिया गया है, क्योंकि कोविड का भी केस काफ़ी बढ़ गए हैं राज्य में। लेकिन जितने भी हम देख रहे हैं कुछ दिनों से जब से बंद है, काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं, काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें मैत्री बाग विजिट करने दिया जाए, क्योंकि हमें जानवरों के साथ साथ पर्यटकों की सुरक्षा का कोविड से बचाव करना है। तो हम उनको मायूस होना पड़ रहा है, क्योंकि मैत्री बाग उनका बंद है, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं अंदर आने के लिए। और जब भी जैसी कोविड से धीरे धीरे वैक्सीनेशन के बाद वो कमी होगी, हम मैत्री बाग प्रबंधन इसको खोल लेंगे। कोरोना काल में जानवरों की देखरेख किस तरह की जा रही है? खासकर जानवरों को मैं जो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको तो सबको दो दो टीकाकरण हो गया है, और साथ साथ में उनको बोला जाता है कि जब भी इंक्लूजर में जाएंगे तो पूरा सैनिटाइज होकर जाएंगे, मुंह में मास्क लगा के जाएंगे, हाथ को सैनिटाइज करें, पैर को हाइपोक्लोराइड में डुबा के इंक्लूजर के अंदर जाएँ, ये व्यवस्था की गई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद इसकी जानकारी देने के लिए। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मैत्री बाग का ये टाइगर का केबिन है, और मैत्री बाग के द्वारा यहाँ पर कुछ व्यवस्था की गई है। हर साल यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की जाती है शेरों को गर्माहट देने और इनके खान पान के अलावा और भी स्वच्छता रखने के लिए।